हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपने उद्यान विज्ञान के अंतर्गत पोमोलॉजी शाखा चल रही थी, अपने पास कौन सी ब्रांच चल रही थी? पोमोलॉजी, ओके, यानी कि जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत आज अपने पास कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 7 है। कौन सा लेक्चर है बच्चों? लेक्चर नंबर 7 है। जिन बच्चों ने अभी तक अपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं पहले राय देना चाहता हूं कि आप पहले वो देखें, उसके बाद में आपको इस लेक्चर में 100% इंटरेस्ट बनेगा। और आज अपने बच्चों बेर की क्रॉप करने वाले हैं। किस क्रॉप? कौन सी क्रॉप है? बेर की क्रॉप है। और ये किन के लिए लाभदायक रहने वाला लेक्चर? कृषि पर्यवेक्षक, जेट, ICAR, BHU की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल लेक्चर रहने वाला है, ओके। तो यहाँ पर बच्चों पहले अपने आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये इस प्रकार का बच्चों क्या रहता है? प्लांट रहता है, ठीक है, जिसको अपने देखकर पहचान सकते हैं कि ये बेर का प्लांट रहता है और ये इसके क्या रहते हैं बच्चों? फ्रूट रहते हैं। और वैसे उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे जानते होंगे, ओके। अब इनका वन बाय वन अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों बेर, ओके, तो बेर का बोटेनिकल नेम पूछा जाता है। तो यहाँ देखें बॉटनिकल नेम क्या है? जिजीफस मोरेशियाना। क्या है बच्चों? जिजीफस मोरेशियाना। अब बात करते हैं चाइनीज बेर का, यदि आपको नाम पूछा जाता है तो जिजीफस जुजुबा। क्या है बच्चों? जिजीफस जुजुबा। कौन सा रहा? जुजुबा रहा। वहीं बच्चों अपने पास चनी बेर या देसी बेर की बात करते हैं तो जिजीफस रोटेंडीफोलिया। इसको मैं आपको स्टार पॉइंट देना चाहता हूँ कि डायरेक्ट देसी बेर का ज़्यादातर पूछा जाता है तो जिजीफस रोटेंडीफोलिया या अपने मोरेशियाना कर सकते हैं, परंतु देसी बेर का क्या रहेगा? रोटेंडीफोलिया है यदि पार्टिकुलर पूछा है। ये वैसे डायरेक्ट पूछा है बोटनिकल नेम क्या रहता है तो जिजीफस मोरेशियाना रहता है। चाइनीज बेर का दिया जाता है तो जिजीफस जुजुबा रहते हैं। और वहीं बच्चों अपने पास एक क्या होता है? जड़ बेरी जिजीफस न्यूमेलेरिया रहता है। उसका क्या रहता है? जिजीफस न्यूमेलेरिया। हो सकता है यहाँ दिया हो। चलो देखो, जंगली बेरी या जड़ बेरी, इसको क्या कहते हैं? जिजीफस न्यूमेलेरिया कहते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा कौन सा ये लेक्चर अभी तक। यहाँ पर आप जिन बच्चों ने नोट्स साथ साथ मेंटेन करें हैं तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप साथ साथ में लिख सकते हैं, ओके। चलो अब देखते हैं कि आप कि ये जो प्लांट है ये किस कुल से बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों ये आपको हिंट याद करवा दिया, जैसे रे, तो आपने रे देखा तो ये क्या रहेगा? रहमनेसी। रहमनेसी किस कुल का प्लांट रहता है? रहमनेसी कुल का प्लांट रहता है। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या रहता है बच्चों? मध्य भारत या भारत माना जाता है, परंतु चाइनीज बेर का दिया जाता है तो चीन हो जाएगा, ओके। तो इस चीज को ध्यान रखें, और सबका क्या है? भारत है। तो यहाँ पर अपने पास देखो इसका कुल, यानी ये कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? फैमिली, फैमिली बच्चों अपने पास क्या है? रहमनेसी। रहमनेसी लिखा मिल सकता है या रहमनेसी लिखा मिल सकता है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद होना चाहिए। परंतु इस पर बच्चों क्या दे दिया? 3 स्टार दे दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। उसके बाद में अपने पास इसका ओरिजिन पैलेस, क्या ओरिजिन पैलेस यानी कि उत्पत्ति स्थान क्या रहेगा? मध्य भारत या भारत दिया जाता है, परंतु यदि चाइनीज बेर का दिया जाता है तो चीन हो जाएगा, ओके। फिर बात करते हैं देखो अन्य नाम इसके क्या है, इसको किस चीज की संज्ञा दी गई है। तो ये अपने पास कई बार देखो फलों का राजा, ठीक है ना, फलों का राजा क्या होता है बच्चों? आम जाता है, परंतु यहां पर आपको क्या दिया? ड्राई का दे दिया, शुष्क फलों का राजा। तो शुष्क फलों का राजा क्या हुआ? बेर हुआ। इसे और क्या संज्ञा दी गई है? गरीब का सेब, गरीब का सेब, ओके। वैसे गरीब के नाम पर बहुत कुछ है, देखो गरीब का संतरा, गरीब का संतरा क्या हुआ? टमाटर। गरीब का भोजन, गरीब का भोजन क्या हुआ बच्चों? बाजरा। इस प्रकार अन्य भी बहुत सारी संज्ञा दी गई है, परंतु गरीब का सेब किसे कहते हैं बच्चों? बेर को कहते हैं, ओके। चाइनीज फिग, चाइनीज फिग या इसको चाइनीज डेट कहते हैं, ओके। वैसे बच्चों फिग अलग फ्रूट रहता है, फिग को क्या कहते हैं? अंजीर कहते हैं, अंजीर, ठीक है ना। इसका नाम क्या रहता है? फाइकस कैरिका, फाइकस कैरिका।
सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बच्चों सिलेबस में नहीं है फिर भी अपने को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा याद करना होता है, क्योंकि हो सकता है आपको क्या कहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स इस प्रकार सिलेबस में हेडलाइन दी है, तो वहाँ से हो सकता है इस प्रकार पूछा जा सकता है। तो आप घबराएं मत, जितना सिलेबस में है आपको 100% करवाया जाएगा, परंतु एक्स्ट्रा रिलेटेड चीज़ें भी आपको बताई जाएगी। ओके, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ सके और आप घर बैठे अच्छी तैयारी कर सके। अब देखो इसमें क्रोमोसोम नंबर बच्चों कितना है, 2N, 2N बच्चों इसमें है 48। ओके, 48 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, परंतु इसकी एक वेरायटी रहती है बच्चों गोला, गोला वेरायटी में कितना रहेगा, 2N बराबर 96, क्योंकि गोला क्या है, ऑक्टाप्लॉइड वेरायटी रहती है, ऑक्टाप्लॉइड अष्टगुणित ऑक्टाप्लॉइड रहती है। ओके, तो इस चीज़ को आप क्या लगाएं, स्टार लगाएं, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो सके, ठीक है। वैसे ये बेर क्या रहता है, हेक्जाप्लॉइड रहता है, बेर क्या है, हेक्जाप्लॉइड है। सर्वाधिक बेर अपने कहाँ होता है, देखो विश्व में सर्वाधिक की बात करें तो भारत में होता है, भारत में सर्वाधिक की बात करें तो मध्य प्रदेश में होता है, और राजस्थान में यदि बात करें तो जयपुर भरतपुर इन डिस्ट्रिक्ट में होता है, श्रीगंगानगर अलवर इन डिस्ट्रिक्ट में होता है। अब यहाँ से अपने पास बात करें खाने योग्य बाघ, तो खाने योग्य बाघ का बच्चों क्या रहता है, पेरिकार्प रहता है। पेरिकार्प में आपको मैंने क्या बताया था, इसमें अपने पास एंडोकार्प प्लस क्या होता है, मीजोकार्प, और प्लस में अपने पास क्या रहते हैं, एग्जोकार्प। इन तीनों को संयुक्त रूप से बच्चों क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पेरिकार्प, इनको क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। जैसे यहाँ से देखो अपने पास एंडोकार्प, फिर ये अपने पास मीजोकार्प, और फिर यदि यहाँ से देखें तो इसको छिलका भी खाया जाता है तो एग्जोकार्प, तो ये तीनों भाग खाए जाते हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पेरिकार्प कहते हैं। ओके, अब खाने योग्य भाग हो गया। अब इसका देखो बच्चों इसमें क्या पाई जाती है, गुठली पाई जाती है, तो इसका फल प्रकार क्या रहेगा, फल प्रकार ड्रुप या अष्टिल। तो फल प्रकार की यदि बात करें तो बच्चों क्या रहता है, ड्रुप या अष्टिल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अष्टिल कहते हैं। तो वे फल जिनमें गुठली पाई जाती है तो आपको याद हो जाना चाहिए कि उनका फल प्रकार क्या रहेगा, ड्रुप या अष्टिल। परंतु खजूर में आपको यूं मत सोचना कि सर गुठली पाई जाती है, खजूर का फल प्रकार क्या बताया था, खजूर का फल प्रकार बताया था सिंगल सीडेड बेरी, सिंगल सीडेड बेरी। जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं उनको राय देना चाहता हूं कि पहले वो देखें, ताकि आपको इंटरलेट करके पढ़ाया जा रहे बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अपने पास देखो बच्चों पुषप क्रम, इसका पुषप क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफ्लोरेसेंस क्या रहते हैं, फेसिकल, और यदि ऑप्शन में फेसिकल ना हो तो फेसिकल टाइप रहता है साइमोस का, साइमोस का टाइप रहता है। ओके, तो आपको इतना याद करना होगा फेसिकल। और सर किन का रहता है, तो संतरा का फेसिकल रहता है, संतरा का बीज पुषप क्रम क्या रहता है, फेसिकल रहता है। ये देखो इस प्रकार का इसका क्या रहता है, पुषप क्रम रहता है, जिसको अपने पास क्या कहते हैं, फेसिकल कहते हैं, हो सकता है आपने पहचाना होगा। प्रवर्धन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको 3 स्टार लगा दिया मैंने, प्रवर्धन किया जाता है बच्चों रिंग कलिकाएं द्वारा, रिंग बडिंग, क्या हुआ, रिंग बडिंग, रिंग बडिंग द्वारा। यदि रिंग बडिंग ऑप्शन में ना मिले तो आपके पास यहां पर ये छल्ला कलिकाएं दी है, परंतु टी बडिंग भी होता है, टी बडिंग, तो टी बडिंग भी यदि नहीं मिले तो सील्ड बडिंग, सील्ड बडिंग दिया जाता है, परंतु प्रायोरिटी आपको बच्चों किसका ध्यान रखना होगा, रिंग बडिंग का होगा। और यदि आपको कई बार हो सकता है रिंग ना दिया जाए, टी ना दिया जाए, तो आपको बडिंग यानी कि कलिकाइन दिया जाएगा, कलम द्वारा, जड़ द्वारा, कलिकाइन द्वारा इस प्रकार दिया जाए, तो आपके पास क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, बडिंग करना होगा। ओके, चलो पुष्पन का समय यानी कि फ्लावरिंग टाइम क्या रहता है बच्चों, तो फ्लावरिंग टाइम इसमें अपने पास अगस्त सितंबर, आप यहाँ लिख सकते हैं जुलाई, जुलाई से भी सितंबर दे सकते हैं,
हो सकता है कुछ बुकों में जुलाई लिखा हुआ हो। तो अगस्त सितंबर इसका क्या रहता है, फ्लावरिंग टाइम रहता है। और वहीं देखो बच्चों फलन का टाइम क्या रहता है, जनवरी मार्च, जनवरी से लेकर मार्च तक, जनवरी से मार्च उत्तरी भारत में इस टाइम में क्या होता है, फलन होता है। और अभी इसी के अकॉर्डिंग इसकी वेराइटियाँ भी होती है, अगेती, पछेती, मध्यम। तो जो जनवरी के प्रथम सप्ताह में, फर्स्ट वीक में अपने पास जो तुड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या रहती है, अगेती वेराइटी रहती है। और यदि जनवरी माह का लास्ट वीक की बात करें, उस समय तुड़ाई होती है, तो वो क्या हो जाती है, मिड वेराइटी मानी जाती है। और यदि बात करें फरवरी के अंत तक तुड़ाई की जाती है, तो उनकी लेट वेराइटी में आती है। तो हो सकता है अपने जब वेराइटी पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार याद करना होगा कि बेर की अगेती वेराइटी कौन सी है, बेर की मध्यम वेराइटी कौन सी है, बेर की पछेती वेराइटी कौन सी है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। चलो, राजस्थान में बच्चों सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं, बेर जयपुर में होती है। बेर में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए बी व सी पाए जाते हैं, विटामिन ए बी व सी पाया जाता है। तो सी सबसे ज़्यादा आपको किस में बताया था, सर आपने बताया था बारबनेस चेरी में, उसके बाद में बच्चों आंवला में, उसके बाद में अमरूद में, और उसके बाद में सिट्रस ग्रुप में, ठीक है। और उसके बाद में यदि बात करें तो बेर में भी पाया जाता है। तो विटामिन ए बी और सी भी पाए जाते हैं। राजस्थान में बेर की खेती कहाँ, चौमू जयपुर में प्रसिद्ध है। और चौमू इसकी एक वेराइटी भी है, चौमू बच्चों ध्यान रखना, वेराइटी भी है किसकी है, बेर की है। चलो, भरतपुर व जोधपुर में की जाती है। तो जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर में भी इसकी खेती की जाती है। ओके, बेर के पौधों पर लाख के कीट पाले जाते हैं। यहाँ से बच्चों स्टार पॉइंट मिल सकता है आपको, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। तो बेर के पौधों पर कौन सा इंसेक्ट पाला जाता है, लाख का कीट पाला जाता है। तो लाख के कीट पाले जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, लेक कल्चर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, लेक कल्चर कहते हैं। ये देखो लेक इंसेक्ट। ओके, एक नंबर तो क्वेश्चन हो सकता है ये कि लेक कल्चर होता क्या है। तो बेर के पौधों पर लाख के कीट का पालन करना क्या होता है, लेक कल्चर होता है। ओके, और यदि बेर के बाद में ऑप्शन आए तो प्लास पर भी लाख का कीट पाला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, ये हो गया कि कहाँ कहाँ पाला जा सकते हैं। दूसरा इससे पूछा जाए तो इस इंसेक्ट का नाम क्या रहता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है, इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है। व्यावसायिक तौर से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं, तो इसका नाम पूछा जा सकता है, लेसीफर लेका। इसका क्या रहता है बच्चों, जूलॉजिकल नेम रहता है। ओके, और लेसीफेरेडी फैमिली से ये बिलोंग करता है, तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए। कौन सी फैमिली से, लेसीफेरेडी से। इसका नाम क्या रहता है, लेसीफर लेका रहता है। और ये किन वृक्ष पर पाला जा सकता है, बेर व प्लास वृक्ष पर पाला जा सकता है। और इसके पालने की खेती को क्या कहेंगे, या पालने के अध्ययन को क्या कहेंगे बच्चों, लेक कल्चर कहेंगे। ओके, चलो अब देखो, बेर किस जलवायु का प्लांट है। तो गर्म एवं शुष्क होता है, जिसको उपोषण जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये उपोषण जलवायु का प्लांट रहता है। फिर देखो, बेर क्या है बच्चों, क्लाइमेट्रिक या नॉन क्लाइमेट्रिक। आप कहूँ सर नॉन क्लाइमेट्रिक है, क्योंकि इसको बच्चों तोड़ने के बाद में नहीं पकाया जा सकता है। अब देखो, इसके लिए मृदा कैसी चाहिए बच्चों, हल्की क्षारीय मृदा, क्योंकि ये पीएच 8.5 रेंज तक भी आसानी से उगाया जा सकता है। अब यहाँ बेर में सिंचाई की बात करें तो अक्टूबर माह में की जाती है। बेर में सिंचाई कब करनी चाहिए, अक्टूबर माह में, और रिंग मेथड से सर्वोत्तम रहता है। कली को बढ़ाने के लिए 3% थायो यूरिया का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसमें बच्चों क्या होता है, प्रूनिंग की जाती है। इसमें क्या की जाती है, प्रूनिंग की जाती है, ठीक है ना। प्रूनिंग कब की जाती है बच्चों, अप्रैल मई में की जाती है। कब की जाती है, अप्रैल और मई में की जाती है। एक नंबर ऑप्शन ये मिल सकता है, दूसरा ऑप्शन मिल सकता है कि मार्च के अंत तक, अप्रैल के अंत तक, मई के अंत तक। तो अप्रैल माह का लास्ट वीक। अब यहाँ देखो, इसमें क्या होता है, अप्रैल का प्रथम सप्ताह,
अप्रैल और मई, नहीं सॉरी, मार्च और अप्रैल में बच्चों क्या होती है, प्रूनिंग होती है। मार्च व अप्रैल में इसकी प्रूनिंग की जाती है, मार्च अप्रैल में प्रूनिंग की जाती है, मार्च का प्रथम सप्ताह और अप्रैल का अंतिम सप्ताह, नहीं सॉरी, मार्च का अंतिम सप्ताह और अप्रैल का प्रथम सप्ताह में इसकी प्रूनिंग की जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा हो सकता है, देखो दोबारा बता देता हूँ, इसमें क्या, कली को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें हर बार नई कलिकाओं पर फ्रूटिंग होती है, तो इसके लिए क्या करते हैं अपने पास बच्चों, क्या करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, ठीक है ना, प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग कब करते हैं, मार्च और अप्रैल मंथ में करते हैं, मार्च व अप्रैल माह में। एक नंबर ऑप्शन आपको ये मिल सकता है, यहाँ आपको दिया जाता है कि यहाँ पर मार्च का अंतिम सप्ताह और अप्रैल का प्रथम सप्ताह, मार्च का अंतिम सप्ताह और अप्रैल का प्रथम सप्ताह, ये लिखा मिल सकता है ऑप्शन में। यदि आपको दिया जाए कि फरवरी के अंतिम सप्ताह, मार्च का अंतिम सप्ताह, अप्रैल का अंतिम सप्ताह, जुलाई का अंतिम सप्ताह, तो फिर मार्च का अंतिम सप्ताह। तो ये इस प्रकार तीन प्रकार के आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और फिर एक नंबर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अन्य फल वृक्ष की तुलना में सबसे भारी प्रूनिंग किस फल वृक्ष में की जाती है, तो बेर में की जाती है। अब देखो, बेर में फलों को सिगर पकाने के लिए 750 ppm इथेफोन का छिड़काव करना चाहिए या प्रयोग करती है, ओके। बेर में गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी पाई जाती है, आपको पूछा जाता है स्व असंगतता किस प्रकार की पाई जाती है, तो ये इसको मैंने 3 star point दे दिया, 4 star दे दिया, किस प्रकार की, गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी यानी कि स्व असंगतता पाई जाती है। अन्य किस में पाई जाती है, अन्य बच्चों ये आम में पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा गहराई का क्वेश्चन है, परंतु आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि बेर में किस प्रकार की असंगतता पाई जाती है, तो गेमेटोफाइटिक प्रकार की पाई जाती है। यदि कन्फ्यूजिंग करने के लिए आपको दिया जाएगा स्पोरोफाइटिक, तो ये स्पोरोफाइटिक आपको नहीं करना है, गेमेटोफाइटिक करना होगा। उत्तर भारत में बेर की तुड़ाई बच्चों कब करते हैं, देखो फरवरी मार्च में जब फलन पक जाता है तभी तो तुड़ाई करेंगे, तो फरवरी मार्च में या जनवरी से मार्च तक कर सकते हैं, ओके। वहीं दक्षिणी भारत में बेर की तुड़ाई कब करते हैं बच्चों, अक्टूबर से नवंबर माह में करते हैं। अब देखो, ये आपके पास 3 star point मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया, बेर में प्रूनिंग कब करते हैं, अप्रैल और मई में, ओके बच्चों, तो वो वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ देखो अप्रैल और मई में करते हैं, ठीक है ना, अप्रैल मई में करते हैं। तो अप्रैल का क्या रहता है बच्चों, अंतिम सप्ताह, और मई का प्रथम सप्ताह, ठीक है ना, अप्रैल का अंतिम, मई का प्रथम, तो वहां गलती हो गई थी, तो देखो यहां थोड़ा सा आप सही कर लेना। सबसे भारी प्रूनिंग कहां होती है, बेर फल वृक्ष में की जाती है। बेर में ट्रेनिंग यानी कि संधाई, ओके, तो यहां कब करते हैं बच्चों, मार्च में करते हैं। तो इसको 3 star दिए, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, यहाँ से बहुत एग्जाम में आ चुका है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ओके। तो ये कन्फर्म है, यहाँ अप्रैल और मई में, अप्रैल का अंतिम सप्ताह, मई का प्रथम सप्ताह, और सबसे भारी प्रूनिंग किस फल वृक्ष में की जाती है, बेर में की जाती है। अब देखो प्रवर्धन बच्चों दोबारा आ गया क्या, रिंग बडिंग या टी कलिकाएं द्वारा करते हैं। ज्यामिति इसमें कितने रखते हैं बच्चों, 8 x 8 meter की रखते हैं, कितनी रखते हैं, 8 x 8 meter की। वहीं बच्चों भंडारण देखें तो 3 to 4 degrees centigrade तापमान पर और 85% to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर इसका भंडारण किया जाता है। तो यहाँ प्रवर्धन पर मैंने क्या लगा दिया बच्चों, 3 star लगा दिया, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो इसमें प्रमुख रूट स्टॉक कौन से मूल वृंत लिए जाती हैं, तो यहाँ देखो भारतीय बेरी या जड़ बेरी जीजीफस न्यूमेलेरिया रूट स्टॉक लिया जाता है ताकि इस पर प्लांट लगाया जा सके। यह बोना मूल वृंत रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, सघन वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग हेतु उपयुक्त है, ओके। अब देखो नेक्स्ट अपने पास देसी बेर, देसी बेर में अपने पास जीजीफस रोटेंडिफोलिया कौन सा रहता है, जीजीफस रोटेंडिफोलिया,
बेर में तुड़ाई का समय, तो तुड़ाई का समय अपने देख चुके हैं, दक्षिणी भारत में अक्टूबर नवंबर और उत्तरी भारत में जनवरी से मार्च तक। कब से? जनवरी से मार्च तक उत्तरी भारत में। तो ये अपने पास हो गया, जनवरी लिख सकते हैं, जनवरी से मार्च तक। ओके, क्योंकि अगेती वेराइटी है, वो जनवरी के प्रथम सप्ताह में भी उसकी तुड़ाई कर सकते हैं। चलो, बेर में उपज की बात करें तो असिंचित यदि क्षेत्रों में लगाई गई है तो 50 से 60 किलोग्राम प्रति प्लांट रहेगा, और वहीं सिंचित में होता है 80 से 150 किलोग्राम प्रति पौधा इसकी उपज होती है। बेर का प्रमुख कीट, इस पर बच्चों आप क्या करो, स्टार लगाओ, चार स्टार। बेर का प्रमुख कीट कौन सा होता है? फल मक्खी, एक नंबर पॉइंट। अब दूसरा क्वेश्चन दिया जाए तो इसका नाम भी आपको याद करना होगा, कार्पोमिया वेसुवियाना। कौन सा? कार्पोमिया वेसुवियाना। तीन नंबर, अपने बायोलॉजी में इंसेक्ट भी होते हैं ना, जेट के सिलेबस में दे रखा है इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, तो इंसेक्ट में अपने पूरा अध्ययन करते हैं, तो इसमें आपको कुल भी याद करना होगा कि ये फ्लाई है वो किस कुल से बिलोंग करती है, तो टेफ्रिटिडी, टेफ्रिटिडी, टेफ्रिटिडी कुल से बिलोंग करती है, ठीक है ना। अनार बटरफ्लाई अपने पास किस कुल से बिलोंग कर रही थी? अनार को लाइक नहीं करना था, लाइकेनिडी था, अनार बटरफ्लाई, वीराचोला आइसोक्रेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा, तो ये टेफ्रिटिडी। फिर देखो यहाँ पर प्रमुख कीट ये फ्लाई है, तो फ्लाई किस ऑर्डर से बिलोंग करेगी, यानी किस गण में आती है, तो बच्चों ये गण कौन सा? डिप्टेरा में, डिप्टेरा गण का इंसेक्ट है, डिप्टेरा गण का इंसेक्ट है, इतना आपको याद करना है। तो एक नंबर पॉइंट प्रमुख कीट फल मक्खी, दो नंबर पॉइंट इसका जूलॉजिकल नेम, तीन नंबर ये कुल कौन सा है, चार नंबर ये अपने पास गण कौन सा है, पांच नंबर इससे क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है, तो इसके लिए प्रतिरोधी किस्म पूछेगा, प्रतिरोधी किस्म, तो इसके लिए प्रतिरोधी किस्म कौन सी है बच्चों? दो दिया, दो दिया, ठीक है, दो दिया फ्रूट रेजिस्टेंट वेराइटी रहती है। ओके, तो ये आपको याद करना होगा। तीन नंबर इसका कंट्रोल पूछा जा सकता है, तो इसमें अपने इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं। तो फल मक्खी का बच्चों नियंत्रण मेलाथियन 0.05% या एंडोसल्फान 0.05% का छिड़काव करके इसका कंट्रोल कर सकते हैं। अब बच्चों अपने पास इसमें इससे रिलेटेड एक बेर में क्या प्रमुख रोग भी होता है, प्रमुख रोग भी होता है, प्रमुख रोग इसका क्या रहता है? पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू या छाछिया रोग, छाछिया रोग, चूर्णिल आशिता रोग भी कह सकते हैं। ये भी किसके द्वारा होता है बच्चों? कवक जनित होता है, कवक जनित होता है। और कवक का नाम दिया जाए तो यहां पर अपने पास कवक का नाम रहता है अपने पास, चलो बच्चों यहां थोड़ा सा जिजीफस, कोई ना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। यहां देखो अगेती किस्म, अगेती में बच्चों अपने पास गोला, गोला क्या होती है बच्चों? ऑक्टाप्लॉइड, स्व अष्ट गुणित होती है, सबसे अगेती वेराइटी है, लवण सहनशील किस्म रहती है। तो इसमें फ्रूट आपके पास इस प्रकार के रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा सेब व गोला, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि सेब व गोला वेरायटी है, तो अगेती वेरायटी। देखो यहाँ पर सेब हो गया स्रोतम व स्वादिष्ट, इसके फल क्या हैं? सेब के आकार के रहते हैं, सेब, सेब की मत कर देना। थार सेविका बच्चों कहाँ से? CIAH, ये कहाँ स्थित है? बीकानेर, CIAH से निकाली गई है थार सेविका, थार भूराज, भूराज ये भी वेराइटियाँ रहती है। ओके, गोमा कीर्ति या गणेश कीर्ति भी इसकी वेराइटी रहती है। तो CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर यानी केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है बच्चों। गोमा कीर्ति या गणेश कीर्ति नई किस्म है, वो भी यहीं से निकाली गई है। ओके, अब देखो अपने पास बेर की प्रमुख मध्यम किस्में, तो मध्यम में बच्चों अपने पास ध्यान रखें कि यहाँ पर बनारसी, बनारसी सर आपने और किसका बताया था? तो बनारसी बच्चों आंवला की किस्म थी, आंवला की थी, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखें। मुंडिया, टिकड़ी, मेहरून, रश्मि, जोगिया, एक बार एग्जाम में क्या? टिकड़ी, ये अपने पास किस्में ACF एग्जाम में पूछा गया था, ACF 2000 जो अभी 21 में हुआ था ना उसमें पूछा गया था, तो यहाँ पर टिकड़ी एग्जाम में,
कि टिकड़ी किसकी किस्म है, तो बेर की रहती है, मेहरून, रस्मी, जोगिया, मुंडिया। अब बेर की प्रमुख 75 किस्मों में बात करें तो देखो बच्चों, उमरान व इलायची। इलायची से विशेषता याद करें तो ये सीडलेस वेराइटी रहती है, सीडलेस। कि बेर की बीज रहित किस्म कौन सी है, इलायची। इलायची यदि अन्य फ्रूट की बात करें तो बच्चों आम की भी वेराइटी रहती है, और किसकी रहती है, आम की भी वेराइटी रहती है। उमरान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 75 वेराइटियों में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अपने पास कत्था वेराइटी भी है। बेर की प्रमुख अन्य किस्मों की बात करें तो बच्चों यहाँ देखें, सनुआर टू या सोनार टू लिखा मिल सकता है, दोदिया। दोदिया का आपको याद रखना होगा, फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म, फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म, फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म। चौमू ये अपने राजस्थान की लोकल किस्म हो गई, मेहरून, छुआरा, नारनोल। तो नारनोल, नारनोल भी आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि चौमू व नारनोल प्रमुख किस्म है, तो किसकी, बेर की है। तो इस प्रकार आपको इतना याद करना होता है। अब देखो इसमें अपने पास कुछ विशेषताएं कि बेर की किस्मों की प्रमुख विशेषताएं। उमरान क्या है, बड़े आकार के फल होती हैं, 75 वेराइटी है, क्या है बच्चों, 75 किस्म है। ओके, इतना याद हो जाएगा। थार सेविका, आप कहूँ सर आप पढ़ा रहे हैं और याद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। थार सेविका सेव इंटू में कथा का संकरण रहता है, थार सेविका सेव इंटू में कथा का संकरण रहता है। ओके, गोमा कीर्ति उमरान से चयनित किस्म है, गोमा कीर्ति या गणेश कीर्ति उमरान से चयनित किस्म है। कहाँ से निकाली गई है बच्चों, CIAH बीकानेर से निकाली गई है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड दो इंस्टीट्यूट और हैं, CITH कहाँ स्थित है बच्चों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर जम्मू एंड कश्मीर, उसमें भी श्रीनगर। और एक होता है अपने पास CISH, CISH से अमरूद की ललित वेराइटी निकाली गई थी, तो वो कहाँ स्थित है बच्चों, लखनऊ में स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। मुंडिया है तो इसके फल बच्चों, मुंडिया यूँ सोचो मुड़ा हुआ है, तो फल घंटे के आकार के रहते हैं। और बात करें इलायची, तो बेर की क्या रहती है बच्चों, बीज रहित यानी कि सीडलेस वेराइटी है। कौन सी है बच्चों, सीडलेस वेराइटी रहती है बेर की। तो इस प्रकार आपको, उम्मीद करता हूँ कि इतना कंटेंट एग्जाम में काफ़ी रहेगा। अन्य वेराइटियाँ देखें तो दोदिया व टिकड़ी। दोदिया व टिकड़ी क्या है बच्चों, फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म है, और टिकड़ी है एक प्रमुख किस्म किसकी, बेर की। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको विशेष ध्यान देवें, क्योंकि कई बार आसान क्वेश्चन ही अपने गलत कर देते हैं, फिर उसका पछतावा रहता है कि हाँ यदि वो सही होते तो मेरा सिलेक्शन हो सकता था। तो सनुआर टू या सोनार टू तो छाछा रोग प्रतिरोधी किस्म है। ओके, पाउडरी मिल्ड्यू इसमें रोग लगता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हुआ होगा। ओके।